सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। पीछे के पार्ट से पूछना कुछ। ओम प्रणाम दीदी। दीदी यहाँ तृतीय पाठक के पर अंतिम में बोले हैं षोडशम वर्ष शतम जीवति या एवं वेदा। जो ऐसे जानता है वह 116 वर्ष तक जीवित रहता है। तो ऐसे क्या जानता है वो जिससे वो 116 वर्ष तक जीवित रहता है? जीवन रूपी यज्ञ को। यज्ञ को जानते हैं ना आप, तो क्या करते हैं यज्ञ में? फिर उसको खंडित नहीं होने देते हैं। आपको पता है कि यज्ञ एक पवित्र कर्म है, और वो यदि बीच में खंडित हो गया तो फिर हमारा अनिष्ट हो गया, ऐसा जानते हैं ना आप। तो उसके बीच में कोई बाधाएं आती हैं तो क्या करते हैं, उनको हटाते हैं, उलझ नहीं जाते हैं उनमें, या उनको पोस्टपोन करते हैं कि हवन के बाद देखेंगे जो भी है, अब ये खंडित नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही जो जीवन को भी यज्ञ जैसे जानता है, और उसके तीन समन बता दिए। प्रातः समन में गायत्री मंत्र से यज्ञ किया जाता है, तो वो गायत्री छंद जो है वो गायत्री मंत्र से नहीं, गायत्री छंद की ऋचाओं से। तो गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, इसलिए इन्होंने प्रातः समन को जोड़ दिया 24 वर्ष के साथ। और यज्ञ में जो दूसरा समन होता है उसमें जो ऋचाएं बोली जाती हैं वो सारी त्रिष्टुप छंद वाली होती हैं, और त्रिष्टुप छंद होता है 44 अक्षर का। तो इसने दूसरे समन को जोड़ दिया 44 वर्ष वाले ब्रह्मचर्य के साथ, रुद्र ब्रह्मचारी के साथ। और तृतीय समन में जो ऋचाएं बोली जाती हैं वो जगती छंद की होती हैं, और जगती छंद होता है 48 अक्षरों का। तो अपने जीवन का तृतीय समन है उसको जोड़ दिया आदित्य ब्रह्मचारी के साथ 48 वर्ष। तो कुल मिलाकर के हो गए 116 वर्ष। तो 116 वर्ष तक कोई भी बाधाएं आएं तो उन बाधाओं को ये दूर हटाता है, और उसको खंडित नहीं होने देना चाहता है। तो अपने यज्ञ को पूर्ण आहुति तक ले जाना चाहता है जो इस रहस्य को जानता है। तो जो यज्ञ के रहस्य को जानते हैं वो यज्ञ को पूर्ण आहुति तक लेकर जाते हैं, और जिनको यज्ञ के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो वो जब भी यज्ञ होगा तो वो कभी सेल्फी लेंगे, कभी रिकॉर्डिंग करेंगे, कभी फोटो खिंचवाएंगे। उनको ये नहीं पता कि मंत्र बोला जा चुका और आहुति डालनी चाहिए। उनका ध्यान उधर होता है कि फोटो लो ना, हम कहते हैं आहुति डालो, स्वाहा बोला जा चुका है। तो जिसको रहस्य का पता है वो इधर उधर देखेगा भी नहीं, पूर्ण एकाग्रता से इस यज्ञ को वो संपन्न करेगा, नहीं तो फिर ये खंडित हो जाता है यदि वो जागरूक नहीं है। तो ऐसे जो यजमान है जो यज्ञ करते समय उनका चित्त भी इधर उधर रहता है, और उनकी इंद्रियां भी, उनकी आंख, उनके हाथ आदि भी इधर उधर देखते रहते हैं, तो वो यज्ञ उनका पूरा नहीं होता है फिर। तो ऐसे ही जीवन रूपी यज्ञ में भी जैसा इसका विधान है, जिस तरह से ये जीवन जिया जाना चाहिए, जीवन जिया जाना चाहिए भगवत परायण होकर के, योग युक्त होकर के। और इस रहस्य को जो नहीं जानते हैं तो वो बीच बीच में भगवत शरणागति को या भगवत्ता को छोड़ करके असुरता युक्त भी हो जाते हैं, मनुष्यता युक्त भी हो जाते हैं। मनुष्य होते हैं कि वो यश कीर्ति आदि चाहते हैं, और असुर जो होते हैं वो केवल सुख चाहते हैं,
और देव होते हैं वो केवल देना चाहते हैं। तो वास्तव में यज्ञ पूरा देवों का होता है। तो जो इस रहस्य को जानते हैं तो फिर वो दैविक स्थिति में रहते हैं जब तक यज्ञ होता है, नहीं जानते हैं तो उनका खंडित होता रहता है। उनको पता भी नहीं चल रहा है कि हमारा यज्ञ खंडित हो रहा है। उनको लगता है कि कितना अच्छा काम है, देखो हमने यज्ञ भी कर दिया, सेल्फी भी ले ली, फोटो भी बना ली, रिकॉर्डिंग भी कर दी, बच्चा रो रहा था उसको भी चुप कर दिया, सब काम हो गए, संपन्न हो, खुश है। लेकिन वास्तव में वो असली यज्ञ का जो लाभ था उससे कोसों दूर है। तो कर्मकांड दो धारी तलवार है। ऐसे ही जीवन में व्यक्ति को प्रसन्नता होती है कि देखो मैं तो यज्ञ इसमें प्राणायाम में भी बैठ गया और अपने अष्टाध्यायी के सूत्र भी दोहरा लिए, दोनों तो काम हो गए। संध्या में भी बैठ गया, संध्या भी हो गई और योग दर्शन के सूत्रों का रिवीजन भी हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन संध्या हुई कि नहीं हुई ये इसको नहीं पता है। आपने सूत्र तो दोहराए लेकिन संध्या को तो खंडित कर दिया और एक संस्कार बेईमानी का और बढ़ा लिया अपने अंदर। तो वास्तव में दोनों कर्म भी आपके अधूरे रहे, ना इधर का फल मिलेगा ना उधर का मिलेगा। एक में लगते तो एक का जरूर मिलता। तो ऐसे जो जीवन के इस यज्ञ को जानता है, जीवन भी एक यज्ञ की तरह है, वो यज्ञ तो प्रतीक है, असली यज्ञ तो यही है। वो जो भौतिक यज्ञ हम करते हैं वो तो हमारे जीवन का एक प्रतीक है कि जीवन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए इस यज्ञ की तरह से। तो इसमें वस्तुएं देते हैं तो वो फिर सैकड़ों हजारों गुना उनकी शक्ति बढ़ जाती है। एक चम्मच घी डाला तो 100 चम्मच घी जितनी एनर्जी उससे बन जाती है, सैकड़ों गुना एनर्जी उसकी बढ़ गई। तो जीवन हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम जो कर्म करें उसका वो कर्म बीज जैसे हो। एक बीज बोते हैं तो हजारों उसके फल आते हैं, दाने आते हैं, एक दाना बोए तो। जीवन कैसा हो हमारा, एक कर्म करें तो उसके हजारों उसका हजारों गुना शुभ प्रतिफल मिले, ऐसा जीवन हो हमारा। और इसी पर्पज को पूरा करने के लिए फिर वहां पर वो कृषि सूक्त में मंत्र आता है, अक्षैर्मादिव्य कृषिमित कृषस्व, मानव जुआ मत खेल, अक्ष जुआ, जुआ मत खेल, कृषि कर। जुआ खेलना मतलब क्या है, ये ही है कि संध्या भी कर ली और सूत्र भी दोहरा लिए तो लगता है कि प्रॉफिट हो गया। जुए में क्या होता है, व्यक्ति को कम मेहनत से ज्यादा मिलता है ना, तो उसको वो अपने आप को चालाक समझता है कि देखो मैंने रातों रात जुआ खेला और मेरे पास ये संपत्ति बढ़ गई। संपत्ति तो बढ़ गई लेकिन आपके अंदर जो दोष था वो भी तो बढ़ गया, कपट का, छल का, बेईमानी का, दुराचारी का दोष भी तो बढ़ गया। ये संपत्ति तो आपकी कल ही छिन सकती है लेकिन ये दोष नहीं छीनेगा, ये आपके साथ ही जाएगा। तो कुल मिलाकर के लाभ नहीं हानि हुई आपकी। तो इस रहस्य को जो जानते हो जुआ नहीं खेलते हैं। और कृषि करना मतलब क्या है, ऐसा कर्म कर कि जिसका कई गुना ज्यादा शुभ परिणाम हो। तो यज्ञ में एक चम्मच डाला तो सैकड़ों गुना ज्यादा उसकी शक्ति बढ़ गई, और वैसे एक चम्मच खाया तो एक गुना ही शक्ति रहेगी, एक चम्मच का मतलब एक चम्मच जितना शक्ति। तो जो बुद्धिमान होते हैं, एक चम्मच उनके पास घी है तो वो खाते नहीं है, उसको यज्ञ करते हैं। ये है कृषि करना, ये है बीज बोना। समझदार कोई किसान है, उसके पास 1 किलो गेहूं है, चावल है, बाजरा है, अनाज है, तो वो उसका आटा बना के खाता नहीं है बल्कि उस 1 किलो को वो बो देता है ताकि उस 1 किलो से कई किलो उसके पास वापस आ सके। तो ऐसा ही हमारे जीवन के कर्म होने चाहिए यज्ञ की तरह से। उसमें से सुगंधी उठती है यज्ञ में से, ऐसे जीवन में से सुगंध उठे। तो इस रहस्य को जो जानते हैं तो वो वैसा ही जीवन जीते हैं। और वो जीवन जीने वाले होते हैं योगी, सन्यासी, महापुरुष। तो उनमें से एक महापुरुष हैं ये इतरा के पुत्र ऐत्रेय। तो वो पूरी आयुष्य को भी प्राप्त करते हैं
पूरी आयुष्य को मिनिमम इन्होंने गिना है कि भाई तीन प्रकार के ब्रह्मचर्य का वर्णन शास्त्र में आता है, तो यदि तीनों प्रकार के ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन हो सके, वसु ब्रह्मचारी, रुद्र ब्रह्मचारी, आदित्य ब्रह्मचारी, तो ये व्यक्ति 116 वर्ष आराम से जी सकता है, अगर वो खंडित ना हो तो कहीं भी किसी भी रूप में। तो वहां पर केवल ब्रह्मचारी का मतलब वीर्य रक्षा उतना मतलब नहीं है, प्रति पल भगवत परायण होकर के ब्रह्म में विचरण करे वो ही ब्रह्मचारी है ना। तो कभी भी कोई संस्कार असुरता का बीच में ना आए, क्योंकि थोड़ी देर भी कोई आसुरी संस्कार आ गया तो वो कई दिन की तपस्या को फिर नष्ट करके चला जाता है, कई दिन के पुण्य नष्ट करके चला जाता है। तो वहां पर वेद में एक मंत्र आता है, वहां वो उसका भावार्थ ये है कि वो देवों ने खाना बना के रखा, खीर आदि सब बना के रखा, और वो शर्मा नाम की एक कुतिया आती है, उसको झूठा करके चली जाती है, फिर उसको फेंकना पड़ता है, फिर बनाते हैं, फिर वो आके झूठा करके चली जाती है, फिर फेंकना पड़ता है, तो वो वेस्ट हो गया ना सारा जो इतनी मेहनत से बनाया था, और लापरवाही थी एक क्षण की, इतनी देर में ही आ गई वो, एक क्षण दरवाजा खोला तभी आ गई। तो एक क्षण की लापरवाही भी, एक क्षण का ब्रह्मचर्य का खंडन भी उस सारे को वेस्ट कर देता है। तो जो इस रहस्य को जानता है तो वो फिर सावधान रहता है, अत्यंत सावधान रहता है, और व्यक्ति की अपनी सावधानी पर्याप्त नहीं है, इसलिए फिर वो अपने से बड़ी शक्ति के पारायण होकर के रहता है। मान लो कोई छोटा बच्चा है तो उसको भरोसा नहीं है कि मैं खुद अपने आप को संभाल पाऊंगा, इसलिए वो अपनी माँ के आश्रित होकर रहता है, तो फिर वो निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि अब जिम्मेदारी सारी किसकी है, माँ की है। माँ जैसे जैसे कर्म कराएगी, जैसे जैसे रखेगी उसको, वैसे वैसे वो रहेगा, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी माँ की हो जाती है, वो तो बच्चा था। तो ऐसे जो साधक होता है वो भगवत परायण होकर के रहता है, ईश्वर परायण होकर के रहता है, तो फिर वो बड़ी आसानी से इस यज्ञ को, जीवन यज्ञ को पूरा कर लेता है। हाँ बोले 116 साल जो जीवित रहता है, इसके बाद में कोई बाधा नहीं आता इनके जीवन में, फिर तो चांस कम है, फिर तो स्वभाव ही वैसा बन गया ना। 116 तो क्या, अगर 20-30 साल भी ऐसे जी ले तो बहुत कम संभावना ही है, फिर 50 साल भी ऐसे जी लेगा व्यक्ति तो वो फिर उसका स्वभाव ही बन जाएगा ना। तो थोड़ी सावधानी तो रखनी पड़ती है, जैसे पहले दिन साइकिल चलाना सीखे तो सावधानी बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है, नहीं तो कहीं भी घुसा देगा व्यक्ति, कहीं को एक्सीडेंट करता है जब नया नया सीखता है तो। फिर 5-10 साल चला ले साइकिल तो फिर एक हाथ छोड़ के भी चला लेता है, कभी दोनों हाथ छोड़ के भी चला लेता है, कभी चलाते चलाते और काम भी कर लेता है, फोन पे बात भी कर लेता है साथी के साथ, तो कम सावधानी की जरूरत है, अब अभ्यास बन गया ना, स्वभाव बन गया। लेकिन थोड़ी सावधानी तो रखनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि फिर बिल्कुल ही हट जाता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से ही काम चल जाता है, जब आदत स्वभाव व्यक्ति का वो बन जाए तो। तो 116 साल जिसने इतनी पवित्रता में और इतनी जागरूकता में जी लिए तो उसके बाद तो कोई संभावना नहीं है, फिर भी जागरूक तो रहेगा, उसकी मनाही नहीं कर रहे हैं कि उसके बाद कुछ नहीं करना, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं जी। ओ दीदी जी, ये जो हम सुनते हैं कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो किस आधार पर ऐसा कहा जाता है? किस आधार पे? सत्य के आधार पे कहा जाता है, ऐसा ही है। तो हम शरीर में और ब्रह्मांड में कैसे समानता देखें? बाहर का यज्ञ और जीवन का यज्ञ तो ये तो घटाते ही रहते हैं। चलो आज दूसरे ऋषि हैं, ये भी जीवन को यज्ञ समझ करके ही एक अलग तरह से ये इसकी व्याख्या कर रहे हैं यज्ञ में। तो यज्ञ के ना इन्होंने 5 रूप माने हैं। पहला है दीक्षा। पहले तो कोई संकल्प लेता है ना कि अब की बार मैं 1 महीने का या 1 वर्ष का यज्ञ करूंगा, तो उसको कहते हैं दीक्षा, जब विचार करता है व्यक्ति, संकल्प लेता है। और दूसरा है उपसद।
उपसदय मतलब जब यज्ञ शुरू कर देता है, आके उसमें बैठ गया यज्ञशाला में, तो अब इसका यज्ञ शुरू हो गया। तीसरा है स्तुत शस्त्र, अब वो स्तुति आदि कर रहा है और पूरा उसमें रम गया है। चौथा है फिर दक्षिणा, यज्ञ पूरा होने के बाद फिर दक्षिणा दी जाती है, जब तक दक्षिणा ना दे दें तब तक यज्ञ अधूरा होता है। इसलिए आप कभी किसी के यहाँ यज्ञ करवाएं तो उसमें दक्षिणा जरूर लेना, भले वो 1 रुपए दे दे, जरूरी नहीं है उसमें तो, पर वो बिना दक्षिणा देके कभी यजमान उठ के चले जाते हैं ना, तो फिर वो यज्ञ अधूरा रहता है। तो जब आप बैठे हैं तो आप बैठे बैठे उनको कहें कि आप दक्षिणा देके फिर उठ के जाना, तो वो कुछ भी दे दे उसमें, वो कोई फूल दे दे, कोई फल दे दे, 1 रुपए दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन दक्षिणा भी उसका एक भाग है। और फिर है अवभृतः, फिर वो फिर जाके स्नान करता है उठ करके, यज्ञ स्नान, तब फिर यज्ञ पूरा होता है। तो इस रूप में इन्होंने मनुष्य के जीवन को माना है। तो देखते हैं ये कैसे अपने ढंग से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। स यद अशिशिषति यत पिपासति यन्न रमते ता अस्य दीक्षा। कह रहे हैं इस मनुष्य की पूरे जीवन को ही यदि यज्ञ माना जाए तो ये सह यद अशिशिषति, ये जो खाना तो चाहता है, खाना चाहता है मतलब भोग भोगना, स यद अशिशिषति यद पिपासति, जो खाना पीना चाहता है अर्थात जो भोग करना चाहता है, यन न रमते, लेकिन उनमें वो रमता नहीं है, मतलब भोग करता नहीं है, चाहता तो है करता नहीं है, तो ये क्या है इसका, ता अस्य दीक्षा, तो ये इसकी दीक्षा है, केवल विचार किया है अभी उसने कि मैं भी अच्छा खाऊं पीऊं भोग करूं, लेकिन वो उसमें लगा नहीं अभी, तो ये तो दीक्षा है। आगे अथ यद अश्नाति यद पिबति यद रमते तद उपसद एति इति। और फिर जो व्यक्ति खाता पीता है, यद अश्नाति यद पिबति, जो खाता है जो पीता है अर्थात जो भोग भोग रहा है, यद रमते, जो उनमें रम गया है अर्थात वो भोगी आत्मा हो गया है, अब उसको पूरा उसको उनका रस ले रहा है, आनंद ले रहा है, तो ये क्या है, उपसद एति, वो उपसद अवस्था को प्राप्त हो गया। तीसरा है अथ यद हसति यद जक्षति यन मैथुनम चरति स्तुत शस्त्रै एव तद इति। और जो हसति हंसता है, यद जक्षति खाता है, यत मैथुनम चरति जो बच्चे आदि पैदा करता है, स्तुत शस्त्रै, तो ये समझो स्तुत शस्त्रों की माने उपकरणों की स्तुति कर रहा है, अर्थात वो जीवन में रम गया, वो सब भोग भोग रहा है और उसमें ही पूरा लिप्त हो गया है, तो ये यज्ञ की कौन सी अवस्था है, तीसरी अवस्था है, ये स्तुत शस्त्र वाली है। अथ यत् तपो दानम आर्जवम अहिंसा सत्यवचनम इति ता अस्य दक्षिणाः। और जो व्यक्ति तपः तप कर रहा है जीवन में, दानम दान दे रहा है, दान का मतलब होता है जो भी अपने पास सामर्थ्य है उसको किसी दूसरे की सेवा में उपकार में लगाना, तो हर व्यक्ति के पास अलग अलग ऐश्वर्य होता है, तो किसी के पास ज्ञान का ऐश्वर्य होता है, किसी के पास धन का होता है, किसी के पास वाणी का होता है, किसी के पास विचारों का होता है, किसी के पास भावों का होता है, तो किसी के पास साधना का ऐश्वर्य होता है, तो अलग अलग कुछ ना कुछ तो लेकिन ईश्वर ने सबको दिया है, तो उनको दूसरे की सेवा में लगाना यही क्या है, दान। और तप मतलब तपो द्वंद्व सहनम, जो
द्वंद्वों को सहन करता है, जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा ऊंचा नीचा आता है उसको सहता है। आर्जवम ऋजुता सरलता, जिसके जीवन में सरलता है, जैसा है वैसा ही दूसरे को बताता है, वैसा ही जीता है, दोष है तो हटाना चाहता है, हटाता भी है, गुण है तो भगवान की ही कृपा और भगवान का प्रसाद समझ करके उससे दूसरे के उपकार में ही लगाता है, ये सारा क्या आता है? आर्जवम ऋजुता में आता है, सरलता में आता है। व्यक्ति कपट नहीं करता है अपने साथ, नहीं तो व्यक्ति दूसरे के साथ तो वही व्यक्ति कपट करता है जो अपने साथ कपट करता है, क्योंकि कपट करने के लिए पहले किसके साथ कपट करना पड़ेगा? अपने साथ करना पड़ेगा ना, तभी तो आप दूसरे के साथ कर पाओगे। जब आपने ये सोचा कि मैं दूसरे को बुद्धू बना देता हूं, तो दूसरे को कहां बुद्धू बनाओगे, पहले आपने अपने आप को ही बना दिया बुद्धू, क्योंकि जो आप करने की ठान रहे हैं वो आपने पहले अपने मन में सोच लिया, तो आपने अपने आप को तो करेक्ट कर ही लिया कम से कम, दूसरा तो पता नहीं बुद्धू बनेगा कि नहीं बनेगा। और ऋजुता क्या है? कुछ लोग हमें बताते हैं कि भाई थोड़े से ना समझदार बनो, थोड़े से सयाने बनो, ये दुनिया तो बड़ी आजकल बड़ी तेज है, कोई भी ठग लेगा आपको, तो दुनिया में ज्यादा सीधा बनना निर्वाह के लिए ठीक नहीं है, ऐसे लोग बताते हैं। और ये व्यक्ति हर व्यक्ति के ऊपर विश्वास करता है, सरल है ये, जैसे अपने जैसा ही दूसरे के चित्त को समझता है, दूसरे व्यक्ति कैसे बातें पूछ लेता है फिर कैसे उनको यूज करता है ये इसको कुछ नहीं पता है, तो हो सकता है इसकी थोड़े बहुत सांसारिक कहानी हो जाए, लेकिन कोई ना कोई ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति सब मनुष्यों को और सारी सृष्टि को एक दिव्यता से युक्त देखता है, अच्छा ही देखता है, भगवान की एक कृति के रूप में देखता है, भगवान के विश्वमय रूप के रूप में देखता है कि ये ईश्वर का ही विश्वमय रूप है, तो निश्चित रूप से उसका हमेशा भला ही होगा। उसको कभी थोड़ी बहुत कोई हानि पहुंचाना भी चाहे तो वो थोड़ी देर के लिए होगी, फिर ईश्वर उसकी क्षतिपूर्ति कर देगा। और उसका जो चित्त निर्मल रहा, निष्कपट रहा, सरल रहा, तो ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो सरल हृदय है वो ही बड़ी शक्तियों को ग्रहण करने में सक्षम हो सकता है, भागवत शक्तियों को वो ही व्यक्ति उतार सकता है अपने अंतःकरण में, जो ऋजु होता है, जो सरल होता है। जैसे अर्जुन सरल था तो वो जो उसके मन में प्रश्न आए, जैसी चित्त की स्थिति बनी, वैसे वैसे अपने गुरु से पूछता चला गया, तो अंततः गत्वा उसको फिर सत्य की प्राप्ति हो ही गई। 18वें अध्याय में जाके बोला है उसने कि अब मेरे अंदर कोई संशय नहीं रहा, करिष्ये वचनम तव, 18वें अध्याय में जाके बोला, तो वहां उसको सत्य की प्राप्ति हो गई। नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया मतलब मोह वैचित्ति, चित्त में जो विचित्रता थी, ऊपर नीचे हो रहा था, जो डाउट्स थे, जो संशय थे, वो सब नष्ट हो गए हैं। और स्मृतिर लब्धा, अब अपने स्वरूप की स्मृति प्राप्त हो गई है कि मैं क्या हूं, एक विशुद्ध आत्मा हूं मैं, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, आनंद स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा मुझे पता लग गया, स्मृतिर लब्धा। तो ये किससे मिलता? ऋजुता से। तो यहां इन्होंने कहा यत तपो यत दानम यत आर्जवम यत अहिंसा, अहिंसा तो सबसे पहला और सबसे बड़ा आधार माना गया है अध्यात्म जगत का, नियम नियमों में भी सबसे पहले अहिंसा। जैसे जैसे व्यक्ति अहिंसक होता जाएगा वैसे वैसे उसमें सत्य प्रतिष्ठित होता जाएगा, और अहिंसा और सत्य जैसे जैसे प्रतिष्ठित होंगे तो अहिंसा सत्य अस्तेय, फिर वो कुछ लेना नहीं चाहेगा किसी से, और जैसे जैसे किसी से कुछ नहीं लेना चाहेगा, आत्मतृप्त रहेगा, सत्यनिष्ठ रहेगा, अहिंसा में निष्ठ रहेगा, वैसे वैसे ही फिर क्या होगा? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब भगवत परायणता,
मन से, शरीर से, इंद्रियों से हमेशा भगवत परायण होके रहेगा, ईश्वर परायण होके रहेगा, यही ब्रह्मचर्य है। और जैसे जैसे ये स्थिति उसकी प्रगाढ़ होती जाएगी भगवत परायण की, प्रशांत अवस्था, निष्कपटता, सरलता, पवित्रता, वैसे वैसे फिर क्या होगा ब्रह्मचर्य के बाद? अपरिग्रह। सब जब ईश्वर उसके पास है तो वो क्या लेना चाहे किसी से, सब उसका ही है, तो सारे संसार को अपना ही मानता है। जब मैं भगवान का ही पुत्र या पुत्री हूं तो ये सब मेरा ही है। कोई धनवान पिता का जो बालक होता है तो उसका जहां जहां भी वो चलती है, कोई फैक्ट्री चलती है, कहीं कोई जमीन है, जो जो भी उसका ऐश्वर्य है, तो उसको क्या लगता है? हमेशा उसको लेना नहीं चाहता है ना, उसको पता है कि ये सब मेरे पिता का है, मेरे पिता का है तो ये मेरा ही है, तो उसके मन में कोई लोलुपता नहीं होती है उसको छीनने की। और उसके बाद ही जब ये स्थिति हो गई, उसको कहा शौच, शुचिता, पवित्रता, वो है पवित्रता। जब ये पांचों व्यक्ति के सिद्ध हो जाते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये असली पवित्रता है आत्मा की, इसलिए छठे नंबर पे आया शौच। और ये जो इतनी पवित्र आत्मा है वो ही संतुष्ट रह सकता है, जिसको गीता में कहा संतुष्ट है सततम योगी, सदा संतुष्ट रहता है। लेकिन ये संतोष आए कैसे? इसी तरह से आएगा, ये जब अत्यंत पवित्रता, रोम रोम से पवित्रता होगी इस व्यक्ति में, तो फिर ये संतुष्ट हो जाएगा। शौच, संतोष, तप, तप फिर उसको करना नहीं पड़ेगा, उसके माध्यम से होगा। कोई भी आंधी के झोंके आए, तूफान आए, तो उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। अब जिसका मकान पक्का है तो कितनी भी बारिश आए, आंधी आए, तो उसको कोई प्रयास थोड़ी करना है अब कि मेरे घर में पानी ना आए, वो तो पहले ही इतना पक्का है, जितना मर्जी पानी आए। प्रयास तो उसको करना पड़ता है जिसका कच्चा मकान है या झोपड़ी है, तो जैसे ही तेज हवा आती है तो हिलने लगती है, तो उसको पकड़ के बैठना पड़ता है डंडा, नहीं पकड़ा तो ये उखड़ जाएगा। इसको तो कुछ भी नहीं करना है, तो इसके माध्यम से तो तप फिर होने लगता है, और वो ही असली स्वाध्याय है। स्वाध्याय माने खुद का अध्ययन, और जो शास्त्र में कहा है उसको भी ठीक ठीक वो तब ही समझ पाएगा, उससे पहले नहीं समझेगा, क्योंकि अब इस ऋषि की एक चेतना, मेरी एक चेतना, तो जो वो कह रहा है उसको मैं समझूं कैसे? एक बीए एमए पीएचडी वाला व्यक्ति बोल रहा है, एक नर्सरी में बैठा छोटा बच्चा है, उसको समझ कैसे आएगा? उसको तो तभी आएगा जब वो भी एमए बीए पीएचडी करेगा, तभी तो दोनों की चेतना का लेवल बराबर होना चाहिए ना, तो थोड़ा तो समझेगा, लेकिन पूरा पूरा कब समझेगा? वहीं जाके समझेगा पूरा पूरा। तो ऋषियों को तो ऋषि बन के समझा जा सकता है, उतना समझेंगे जितना हमारी पात्रता है। तो ये यम नियमों का जो सीक्वेंस है अष्टांग योग का, वो वैज्ञानिक भी है। तो इन्होंने कहा यत तप, दानम, आर्जवम, अहिंसा, सत्यवचनम इति ता अस्य दक्षिणा। यज्ञ पूरा हो जाता है तो फिर ये दक्षिणा दी जाती है। तो ऐसे ही जीवन में ये जो स्थिति है तो समझ लो इसका यज्ञ पूरा हुआ है। जिसके चित्त की ये स्थिति हो गई, जो तप कर रहा है, दान कर रहा है, ऋजुता है, जिसके जीवन में अहिंसा है, सत्य वचन है, तो इस व्यक्ति ने जीवन रूपी यज्ञ की चौथी अवस्था को प्राप्त कर लिया, माने यज्ञ इसका पूरा हो गया है। और अब जो दक्षिणा की स्थिति होती है वो तो लास्ट स्टेज होती है ना, तो इसने जीवन के लास्ट स्टेज को प्राप्त कर लिया है, इसका यज्ञ पूरा हो गया है। ऊपर वाला था वो अभी बीच में था, दक्षिणा वाला पार्ट अभी उससे काफी दूर है जो रमा हुआ है। ये जो व्यक्ति जो जिसके जीवन की ये स्थिति है तो समझ लो इसने तीन सवन पूरे कर लिए यज्ञ के, ये अब दक्षिणा वाली स्थिति में आ गया, दक्षिणा देके यज्ञ पूरा। तस्मात् आहु सोष्यति असोष्ट इति
पुनः उत्पादनम एव अस्य तन मरणम एव अस्य अवभृतः तस्मात् आहु। और जब दक्षिणा दे दी जाती है ना, तो उसके बाद यज्ञ में क्या होता है, सोम निचोड़ा जाता है, सोमपान किया जाता है। और सोमपान करके फिर ये जो यज्ञ करने वाला याज्ञिक था, यजमान था, ये अमर हो जाता है। सोमपान जिसने पिया तो वो अमर हो गया। तो वहां प्रक्रिया ऐसी है यज्ञ में, पहले यज्ञ करेंगे तो फिर दक्षिणा भी दे दी, अब वहां सोम कूट के निचोड़ा जा रहा है और उसको पीता है। उसको पीने के बाद फिर ये व्यक्ति अमर हो जाता है, इंद्र पद को प्राप्त हो जाता है, ऐसे माना जाता है।